हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर टाइटल देख रहे हैं दोस्तों, कि पीटीईटी काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगी, काउंसलिंग कैसे होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपके सवाल और हमारे जवाब। जी हाँ, बिल्कुल, इसी संदर्भ में मैं दोस्तों बात करूंगा कि आपने अगर मान लो कि पीटीईटी का एग्जाम दिया है दोस्तों, और आपके मन में भी प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया क्यों रुकी हुई है, इसका मुख्य रीजन क्या है, ये डूंगर कॉलेज क्यों नहीं हमारी काउंसलिंग करवा रहा है, अगर प्रारंभ होगी तो कब से होगी, लगभग इसकी क्या डेट है, तो बिल्कुल दोस्तों मैं इसकी सटीक और सारगर्भित जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो देखिए, सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। अगर आपका सवाल है कि पीटीईटी काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगी, तो दोस्तों पीटीईटी की काउंसलिंग 10 नवंबर के बाद प्रारंभ होगी। बिल्कुल ये फैक्ट है, 10 नवंबर के बाद आपकी पीटीईटी की काउंसलिंग प्रारंभ होगी। तो पीटीईटी की काउंसलिंग कब प्रारंभ होगी दोस्तों, पीटीईटी की काउंसलिंग आपकी 10 नवंबर के बाद होगी। कि सर आपको क्या पता चला, इसका कारण है दोस्तों कि रुकने का कारण है कि अभी तक दोस्तों जो रिजल्ट है, यानी आपने अगर मान लो बीए या बीएससी दोस्तों या फिर बीकॉम का एग्जाम दिया है और आपका रिजल्ट अभी फाइनल ईयर का आया नहीं है, और दोस्तों जो पीटीईटी में काउंसलिंग होने के बाद आपकी जो रिपोर्टिंग का प्रोसेस होगा, यानी आपका जो कॉलेज आवंटन होगा, कॉलेज आवंटन के पश्चात आपकी रिपोर्टिंग करवाई जाएगी, तो उस समय आपको दोस्तों बीएससी बीए या जो भी आपकी बीकॉम यानी ग्रेजुएशन लेवल की आपको क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, मार्कशीट जमा करवानी पड़ती है दोस्तों। तो पहले तो दोस्तों ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए थी, लेकिन दोस्तों अब ओरिजिनल मार्कशीट तो आने में काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट निकालेगी दोस्तों, तो जो रिजल्ट की दोस्तों आपकी इंटरनेट कॉपी होगी, वो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या करानी पड़ेगी, जमा करानी पड़ेगी। वरना दोस्तों कोई आधार नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेजुएशन बेस से आप कर रहे हो, तो बिल्कुल आपकी ग्रेजुएशन वहां जरूरी है, चाहिए, इसी कारण रुकी हुई है। तो आप दोस्तों रिजल्ट है, रिजल्ट पक्का मान के चलो दोस्तों 10 नवंबर तक आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों 10 नवंबर तक आ जाएगा। मेरे एक सर है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के दोस्तों, उनसे थोड़ी जान पहचान है तो बात होती रहती है। उन्होंने कहा कि लास्ट डिसीजन में हम 10 तारीख तक यूनिवर्सिटी का रिजल्ट निकाल देंगे दोस्तों। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट तो आ गया है, कुछ स्टूडेंट्स प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन फाइनल के एग्जाम अभी हाल ही में हुए थे दोस्तों, तो इनका रिजल्ट अभी प्रोसेस में है, जल्दी आएगा। थोड़ा लेट इसलिए हो रहा दोस्तों, क्योंकि अभी बीएड वगैरह के एग्जाम अभी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। तो दोस्तों जल्दी आपका रिजल्ट आएगा, अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आपके सामने 10 दिनों से काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। अब देखिए, ये तो आपके प्रश्न का जवाब मिल गया दोस्तों। अब देखिए काउंसलिंग कैसे होगी, तो काउंसलिंग की जो तिथि आएगी उस निर्धारित तिथि में दोस्तों आपको अपने कट ऑफ के दायरे से कॉलेज का चॉइस करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, या कह सकते हैं कि इसमें आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों, आप अगर कट ऑफ के हिसाब से सही शेड्यूल से अगर आप दोस्तों फॉर्म फिल करते हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। नहीं तो कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि आपके नंबर अच्छे होते हुए भी आपको कहीं प्रकार और राजस्थान में कहीं भी कॉलेज मिल सकता है। तो दोस्तों ये जरूरी है कि आप इसमें कुछ सावधानियां बरतें। क्या सावधानियां बरतनी है उसका वीडियो भी मैंने दोस्तों पूर्व में डाल दिया है, क्या कट ऑफ रहेगी वो भी वीडियो डाला है। तो दोस्तों उस कट ऑफ के वीडियो का मैं लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें, और वहां कट ऑफ का दायरा बताया गया है। आप अगर दोस्तों जो बताए गए कट ऑफ के दायरे में आते हैं, मैंने जो बताई है वो दोस्तों लगभग एवरेज बताई है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में 5-7 नंबर कम ज्यादा करके एक एज्यूम करके दी गई है, तो दोस्तों बिल्कुल वही रहेगी। आप उस वीडियो को देखें, ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात आप उस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। अगर मैंने बताए उस दायरे के अंदर ही आपके नंबर आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको 5-6 जिले भरने चाहिए और कुछ जिलों की कॉलेज है वहां भर दें। लेकिन ये ध्यान रखें आप फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वही भरे जो आपके पास हो, ठीक है, और फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में वही कॉलेज भरे जो आपके नजदीक हो या आपको फेवरेट हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैंने बताया है कट ऑफ उससे आपके नंबर कहीं ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको एक या दो डिस्ट्रिक्ट भर दो, ठीक है, और जो मैंने बताया उससे बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मेरा नंबर आ भी नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो वहां दोस्तों आपका ऑल राजस्थान यस करने का ऑप्शन बचता, तो वहां आप ऑल राजस्थान यस करके आइए, आपको कॉलेज अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो ये तो थी दोस्तों काउंसलिंग की प्रक्रिया।
अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आप जो आपने दोस्तों जो पीटीटी का आवेदन किया था, एक तो वो आवेदन चाहिए। दूसरा दोस्तों आपने दोस्तों जो फॉर्मेट मतलब आपने काउंसलिंग के समय फॉर्म भरा वो चाहिए। फिर आपका कॉलेज अलॉटमेंट हुआ तो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर चाहिए। फिर दोस्तों आप जो चालान पेश करते हो, फर्स्ट में आप दोस्तों 5,000 रुपए का चालान पेश करोगे, ठीक है, वो 5,000 चालान का पेश करोगे, उसके आधार पर दोस्तों आपको क्या मिलेगी, कॉलेज मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आपका अलॉटमेंट लेटर चाहिए। अलॉटमेंट लेटर के बाद दोस्तों आपका जो भी 10th के मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपके दोस्तों कुछ फोटो चाहिए, इसके अलावा जो आपकी ग्रेजुएशन की इंटरनेट कॉपी होगी वो आपको साथ में डालनी पड़ेगी। तो ये सारे दस्तावेज आप दोस्तों बिल्कुल तैयार रखें, आपको जरूरत पड़ेगी इस दस्तावेजों की, ताकि अंत समय में ऐसी क्या कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसकी डेट है अब जल्दी जल्दी चलेगी, ज़्यादा वक्त नहीं रहा है, आगे सेशन भी शुरू करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी आपसे अगर कोई मान लो जानकारी चाहते हो दोस्तों पीटीटी के संदर्भ में, कोई भी अगर 0% भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए, मैं आपका बिल्कुल सारगर्भित तरीके से सोच समझ के जवाब दूंगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय वंदे मातरम।